विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव पॉलिटी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपने इस लेक्चर के तहत आज हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे और पॉलिटी के तहत हम एक विशेष टॉपिक को आज लेकर आए हैं, उद्देशिका यानी प्रस्तावना, भारतीय संविधान का उद्देश्य यानी उद्देशिका। भारत का संविधान कोई साधारण संविधान नहीं है और ना ही इसके बनाने वाले साधारण थे। दुनिया का इतिहास हमें यह बताता है कि कई ऐसे देश हैं जहां संविधान तो बने लेकिन संविधान बनने के बाद उसमें बार बार संशोधन करना पड़ा। फ्रांस का संविधान कई बार परिवर्तित हुआ फ्रांस की क्रांति के बाद। अमेरिका के संविधान, जो दुनिया का पहला लिखित संविधान माना जाता है, वहां भी दास प्रथा, गुलामी प्रथा जब संविधान लागू हुआ तब हटा नहीं था। दास प्रथा के लिए गृहयुद्ध हटने के बाद वहां गृहयुद्ध प्रारंभ हो गया। अब्राहम लिंकन को अपने जान से हाथ धोना पड़ा क्योंकि उन्होंने ही दास प्रथा हटाया था। यानी दुनिया का इतिहास यह गवाह है कि संविधान बने तो, लेकिन उसके उद्देश्य स्पष्ट नहीं थे। कोई कमी जरूर रह गई थी संविधान के स्पष्ट उद्देश्य को तय करने में। भारत के संविधान की यह गरिमा है कि संविधान का उद्देश्य संविधान बनने के पहले ही तय कर लिया गया था और हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान ऐसा बनाया कि संशोधन तो हुए लेकिन संविधान को बदलने का आज तक उसकी आवश्यकता ही नहीं महसूस की। संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान की जो अट्टालिका खड़ी की हुई है, भारतीय संविधान का जो किला खड़ा किया है उसके आधारशिला के रूप में, उसके नींव के रूप में उस प्रस्तावना को दिया है जिसमें भारतीय संविधान के उद्देश्य, आदर्श, ध्येय, लक्ष्य सब पूर्ण रूप से स्पष्ट है। भारत का संविधान हमारे लिए जिस प्रकार के शासन की व्यवस्था करता है, जिन आदर्शों की व्यवस्था करता है, जिन लक्ष्य की व्यवस्था करता है, यह पूर्णतः स्पष्ट है। और इसीलिए संविधान का उद्देशिका लिखा गया, भारतीय संविधान का उद्देश्य यानी उद्देशिका, भारतीय संविधान के आदर्श यानी उद्देशिका, भारतीय संविधान के लक्ष्य यानी उद्देशिका, भारतीय संविधान के टारगेट यानी उद्देशिका। अगर भारत का संविधान भारत रूपी शरीर है तो प्रस्तावना उस शरीर की आत्मा है। जैसे किसी मानवीय शरीर में उसकी आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त होता है, उसी तरह पूरे संविधान के प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अंग में प्रस्तावना पूरी व्याप्त है। अगर हमें यह जानना है कि भारत देश में, भारतवर्ष में संविधान के क्या लक्ष्य हैं, क्या आदर्श है, क्या उद्देश्य हैं, उसका अंतिम स्रोत क्या है, उसकी शक्ति क्या है, अगर हमें जानना है लोगों को किस प्रकार का शासन दिया जा रहा है, हमारे संविधान निर्माता किस प्रकार के शासन की स्थापना हमारे देश में करना चाहते थे, तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है, आप सीधे उद्देशिका पढ़ लीजिए। संविधान की उद्देशिका केवल यह नहीं बताती है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान की उद्देशिका यह भी बताती है कि भारतीय संविधान के शक्ति का अंतिम स्रोत कौन है। वह यह भी बताती है कि संविधान का लक्ष्य क्या है। वह यह भी बताती है कि संविधान ने किस प्रकार के शासन का ढांचा हमारे देश में स्थापित किया है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी से भारत जब आजाद हुआ तो लोगों की अपेक्षाएं असीम थी, अनंत थी। लोग देखना चाहते थे, लोग की बात छोड़ी पूरी दुनिया यह देखना चाहता था
जिस भारतवर्ष को हम मातृभूमि का एक टुकड़ा मानते हैं, मात्र एक भौगोलिक इकाई मानते हैं, विदेशी कैसे भारत को बोलते थे, एक भौगोलिक इकाई है। भारत देश कहां है, जहां कोस कोस पे वाणी बदल रहा है, कोस कोस पे पानी बदल रहा है, कोस बदल रहा है, विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय भाषा क्षेत्र, कहीं गर्मी है कहीं जाड़ा है कहीं धूप है, कहीं भाषा अलग है, कहीं मलयालम चल रहा है, कहीं तमिल चल रहा है, कहीं तेलुगु चल रहा है, कहीं हिंदी चल रहा है, कहीं भोजपुरी, इतना विभिन्नता, ये देश कैसे हो सकता है? अरे देश में कोई गोरा है तो सब गोरा है, कोई काला है तो कोई काला है, कोई फ्रेंच है कोई ब्रिटिश है कोई इटालियन है कोई यूनानी है, ये कौन सा देश जहां रूप रंग आकार सब बदल रहा है। इन नासमझ विदेशियों को यह नहीं मालूम था कि भारत एक प्राचीनतम संस्कृति का देश है, भले ही शरीर के बहुत अंग विभिन्न भिन्न भिन्न हो, लेकिन भारत की आत्मा एक है। और हमारे संविधान निर्माता भी इस बात को जान रहे थे, इसीलिए भारतीय संस्कृति रूपी मालाओं के विभिन्न लड़ियों को उन्होंने संविधान की प्रस्तावना रूपी एक लड़ी में जोड़ दिया, एक तार एक एक डोरी में जोड़ दिया और दिखा दिया कि भले भारत में भाषा अलग है क्षेत्र अलग है, भले भारत में धर्म विभिन्न अलग है वर्ग विभिन्न अलग भिन्न भिन्न है, लेकिन इनको पिरोने वाला संविधान का ध्येय और आदर्श एक है और वह है प्रस्तावना। हमारे संविधान निर्माता सिद्ध कर रहे थे, शायद इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसको कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, कितना सुंदर यह शब्द है, भले ही अमेरिका के प्रस्तावना से लेकर भी हम अमेरिका के लोग, यह अलग की बात है, लेकिन हमारे संविधान निर्माता यह बता रहे थे कि हम इस संविधान की शक्ति हैं। भले संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा ने किया था, लेकिन देखिए कितना सुंदर एग्जाम्पल हमारे संविधान निर्माता दे रहे थे, हम भारत के लोग। वो ये नहीं कह रहे कि हम संविधान सभा के लोग, ये नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हम भारत के लोग। संविधान निर्माता ये दिखाना चाह रहे थे कि हम भारत के लोग इस संविधान को बना रहे हैं, हम संविधान सभा के लोग इसको नहीं बना रहे हैं। क्या किसी देश में संविधान बनाने का इतना सुंदर एग्जाम्पल मिल सकता है? इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया में संविधान आया तो तमाम संघर्षों से, समान युद्ध से, समान गृह युद्ध से उसको गुजरना पड़ा, अपने देश के तमाम गृह युद्ध से उनको गुजरना पड़ा, तमाम आंतरिक अंतर विरोधों और संघर्षों से गुजरना पड़ा। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बने संविधान में सर्वसम्मति का एग्जाम्पल अगर दुनिया में, बहुमत से अनुच्छेद नहीं बने, सर्वसम्मति से बने, किसी को नाराज करने का प्रयत्न नहीं किया गया, प्रश्न किया, सोचा गया कि हर व्यक्ति इसकी इस पे सर्वसम्मति, और उस समस्त आदर्श और लक्ष्यों को इसी संविधान की प्रस्तावना में पिरोया। यही कारण है कि संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसको कहा जाता है, उद्देशिका। अभी मैं आपको उद्देशिका के एक एक आदर्शों का विस्तार पूर्वक यहां आपको क्रमबद्ध व्याख्या करूंगा, क्रमबद्ध स्पष्टीकरण करूंगा, ऐसा नहीं है, पहले इसके पूरे अर्थ को समझा जाए। अब जो संविधान का जब कार्यान्वयन हुआ 26 जनवरी 1950 को संविधान चलना प्रारंभ हुआ, दुनिया के तमाम लोगों ने हंसी भी उड़ाया कि भारत में लोकतंत्र 10 वर्ष तक रहेगा, ज्यादा ज्यादा 50 वर्ष तक रहेगा, लोगों के मुंह पे तमाचा पड़ गया, आजादी के 70 वर्ष बाद तक आज भी हमारा देश संविधान को
सुचारू रूप से संचालित कर रहा है। यदा कदा बहुत सारी समस्याएं आई, हर देश में आती हैं, और भारत जैसे देश जहां हजारों वर्ष से विदेशी शासन चल रहे थे, आना ही था। जो गंदगी अंग्रेज छोड़कर गए उसके कीचड़ को तो कुछ दिन धोना पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके लिए बड़े संघर्ष करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आज ही समाप्त हो जाएगा। भारत की सांस्कृतिक एकता इन तमाम अंतर विरोधों का नाश करके रहेगी। प्रस्तावना इसी तथ्य को उजागर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ठीक है देश में कभी तानाशाही शासन भी आ गया, 2 वर्ष के लिए इमरजेंसी लागू हो गया, ठीक है। ये चीजें हमें ये बताती हैं, सिखाती हैं कि कैसे हमें जागरूक रहना है, सतर्क रहना है। और प्रस्तावना में जो आदर्श निश्चित किए गए हैं, जो ध्येय निश्चित किए गए हैं, जो लक्ष्य निश्चित, उसको पूरा करना है। अब आजादी के बाद यह भी प्रश्न उठने लगा कि क्या प्रस्तावना संविधान के का अंग है? प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट द प्रीवियस डिसीजन इट्स फॉलोज दैट प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1960 के बेरूबरी यूनियन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ठीक है, उद्देशिका में के जो ध्येय हैं, आदर्श हैं, वो बड़े उच्च कोटि के। और इसी वाद में यह भी बताया गया कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी भी है। लेकिन बेरूबरी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सॉरी प्रीएम्बल इज द नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। अब आप जरा यह बताइए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो आ गया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, अब यह कैसे हो सकता है कि जो संविधान का आदर्श है, जो संविधान का लक्ष्य है, जो संविधान का ध्येय है, जो संविधान की मूलभूत भावना है, आत्मा है, वो अंग कैसे होगा? अब यह तो वही बात हुई ना, बिना आत्मा के शरीर, क्या बिना आत्मा के शरीर का अस्तित्व संभव है? क्या बिना आत्मा के शरीर का कोई क्रियाविधि संचालित हो सकता है? तो निर्जन हो जाएगा, बिना आत्मा के शरीर निर्जन हो जाता है, निष्प्राण हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। क्या उच्चतम न्यायालय कहना चाह रहा था? जो संविधान का ध्येय है उसका अंग नहीं है, जो संविधान का लक्ष्य उसका अंग नहीं है। यह भी कह रहा कि संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी है, दूसरी तरफ यह भी कह रहा कि उसका अंग नहीं है। शायद यही कारण है भारत के सबसे ऐतिहासिक वाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के 1973 के वाद में, जो 13 जजों की सर्वोच्च बेंच थी, आज तक इतना उच्च बेंच कभी बैठा नहीं, 13 जजों का माइलस्टोन माना जाता केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कौन सा वाद भारतीय संविधान का माइलस्टोन माना जाता है, बल्कि संविधान निर्वचन के काल को 2 भागों में बांटता है, उसके पहले उसके बाद का, तो आप लगाएंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद। 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि उद्देशिका संविधान का अंग है, लेकिन न्याय योग्य नहीं। नॉट जस्टिस बेबल जस्टिस एबल, मतलब क्या हुआ कि देखिए संविधान का अंग है और संविधान के निर्वचन में कहीं विवाद पैदा हो जाए तो उसका सहारा लिया जा सकता है, लेकिन यह न्याय योग्य नहीं, इसको लागू नहीं कराया जा सकता। आदर्श बहुत उच्च हैं, आदर्श बहुत बड़े हैं, कुछ असीम लक्ष्यों को भी अपना लिया गया, ऐसा नहीं है। अब इन असीम लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमारा, देखिए
उद्देशिका के ओर हमारा जो प्रयाण है, जो गमन है, उसी ओर जो हमारा चलने का क्रम है, वही हमारे भारतीय लोकतंत्र को सर्वोच्च पराकाष्ठा पर पहुंचाएगा। प्राप्त होगा नहीं होगा यह अलग की बात है, लेकिन हमें प्राप्त करना है। इस आदर्श का इसमें वर्णन किया जा रहा है। वही बात केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है। अंग तो है, और अगर कहीं संविधान के निर्वचन में, संविधान के व्याख्या में कहीं समस्या आती है, इसका साथ ले ले, इसका सहारा लिया जाएगा, लेकिन ये न्याय योग्य नहीं है, उसको लागू नहीं करा पा रहे। जैसे मौलिक अधिकार क्या है, जस्टिसेबल है, उसको लागू कराएंगे, हम हर हाल में कराएंगे, करना है, मस्ट है। अगर भारत का कोई भी सार्वजनिक अधिकारी मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उसको लागू कराया जाएगा, हर हाल में कराया जाएगा। उद्देशिका के साथ ऐसा नहीं है, उसे लागू नहीं करा पा जाएगा, न्याय योग्य नहीं है। लेकिन वो आदर्श है, वो लक्ष्य है, उसको हमें पाना है, हर हाल में पाना है। तो 1960 के बेरुबरीवाद में जो भ्रम पैदा हो गया था कि उद्देशिका अंग नहीं है, वो भ्रम जो है, उस भ्रम का निवारण हो गया 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में, कि अंग है, और इसका भारत के संविधान के निर्वचन में भी इसका साथ लिया जाएगा, लेकिन ये इसका, लेकिन ये जस्टिसेबल नहीं होगा। 26 नवंबर 1949 को इस पर हस्ताक्षर किया गया था। हाँ, लेकिन इसमें संशोधन हो सकता है, ये भी बात तय हो गया कि हाँ, इसमें संशोधन हो सकता है। जैसे संविधान के भाई अंग है तो आप संशोधन कर सकते हैं, 300 संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत इसमें विभिन्न प्रक्रियाओं के तहत संशोधन किया जा सकता है। यही कारण है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें तीन शब्द जोड़ दिया गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है ना, तीन शब्द जो है इसमें जोड़ दिए गए, और संविधान की उद्देशिका को वर्तमान स्वरूप में लाकर रख दिया गया। यह पूरी संविधान की उद्देशिका के आदर्श, लक्ष्य, उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, और हम भारत के लोग शब्द का हमने आपको बताया कहां से लिया गया है, ठीक है ना। और यह संविधान की उद्देशिका के प्रमुख पूरा जो प्रारंभ था, जहां से चल रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। अब उद्देशिका का अध्ययन वास्तव में है क्या? देखिए, ये तो हो गया कि उद्देशिका कैसे आया। अच्छा, एक बात और है, कहा यह भी जाता है कि चूंकि 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली बैठक हुई थी, और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा, उद्देश्य प्रस्ताव रखा, क्या बताने के लिए कि हम संविधान किस प्रकार का बनाने जा रहे हैं, इसका लक्ष्य क्या होगा, आदर्श क्या होगा। माना यह जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया यही उद्देश्य प्रस्ताव उद्देशिका बना, यही प्रस्ताव प्रस्तावना बना, यह भी माना जाता है, ठीक है ना। यह भी माना जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, वही जो है उद्देशिका आगे चलकर बना, क्योंकि इसी में भारतीय संविधान के उद्देश्य और आदर्श बताए गए थे। अब आइए ये देखा जाए कि उद्देशिका का अध्ययन का मतलब क्या हुआ। देखिए, उद्देशिका के जो शब्द हैं, एक प्रकार से बहुत अथाह समंदर भी है। उद्देशिका पढ़ने का मतलब है उद्देशिका में शामिल टर्मिनोलॉजी का अध्ययन, क्योंकि ऐसे ऐसे शब्द हैं जो अंतहीन है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, न्याय शब्द ही डिफाइन नहीं है, न्याय शब्द ही अपने आप में डिफाइन नहीं है, और दुनिया के जितने भी विद्वान हुए हैं, उन्होंने न्याय की परिभाषा अपने ढंग से की है।
अगर आप समाजवादी से पूछेंगे वो समाजवादी व्याख्या करके रहा, मार्क्सवादी, अगर आप कार्ल मार्क्स से पूछेंगे तो वो सामाजिक, वो न्याय की दूसरी परिभाषा कर रहा है। दुनिया के तमाम दार्शनिकों ने, तमाम विद्वानों ने, तमाम सुधीजनों ने अलग अलग व्याख्या की है न्याय का, और उसी शब्द को उद्देशिका में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय स्थापित कर दिया है। क्या व्याख्या होगी इसकी? समाजवादी शब्द ला के यहां के पूंजीवाद, पूंजीपतियों को डरा दिया गया, जैसे 1917 के रूस की क्रांति में समाजवाद लाया गया, लाखों लोग को मारा गया, पूंजीपतियों को समाप्त किया गया। क्या वैसा समाजवाद लाना था कि 1949 में चाइना में आए माओवादियों की सत्ता, सॉरी माओसेतुंग के द्वारा लाया गया कम्युनिज्म का समाजवाद लाना था, जिसमें सत्ता बंदूक के नाल से निकलती है। माओसेतुंग का प्रसिद्ध स्टेटमेंट था, सत्ता बंदूक के नाल से निकलती है, वो भी समाजवाद, मार्क्सवादी समाजवाद लाया था, जिसमें हिंसा को सत्ता की स्थापना का प्रमुख साधन माना गया। वैसा समाजवाद लाना था क्या? ये तो हमें समझना पड़ेगा ना कि भारत का समाजवाद क्या दुनिया के समाजवाद से भिन्न था क्या? 1917 में रूस में आया, 1949 में जो चाइना में आया, क्या उससे अलग था क्या? क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब रहा? लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब क्या था? व्यक्ति की गरिमा, कहने का तात्पर्य यहां क्या है? उद्देशिका का मूल, उद्देशिका का अध्ययन क्या है? उद्देशिका का अध्ययन शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये सागर है शब्दों के, अथाह समंदर है, इनकी व्याख्या है उद्देशिका का अध्ययन। उद्देशिका की विशेषताओं का वर्णन करिए, उद्देशिका में सम्मिलित विभिन्न विभिन्न शब्दों के तात्पर्य का वर्णन करिए। एग्जाम में कोई साधारण व्याख्या नहीं है, मेंस में अगर ये प्रश्न आ जाए, अगर सिविल सेवा, सिविल सर्विस के मेंस में यह प्रश्न आ जाए, कोई साधारण नहीं होगा। बस इसके टर्मिनोलॉजी की व्याख्या कर देना उद्देशिका का व्याख्या विशेष तत्व नहीं होगा, यह उद्देशिका का विशेषता नहीं होगा। इस टर्मिनोलॉजियों का आपको कंपेरेटिव रिटर्न भी वहां करना है, रीडिंग भी करना है, कंपेरेटिव लेखन भी करना है, वहां पर यह बताना पड़ेगा कि भारत का समाजवाद, भारत की पंथ निरपेक्षता दुनिया से अलग है। अगर दुनिया के पंथ निरपेक्षता को माना जाए तो भारत तो पंथ निरपेक्ष होगा ही नहीं। कैसे आप परिभाषा कर देंगे? आप यही लिख के चले आएंगे कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है, पंथ निरपेक्षता हो गया। यही बात तो विदेश भी कह रहा है, हमारा राज्य धर्म नहीं है, तो आप क्या बता देंगे? तो आप बताएंगे कि यहां क्या है, यहां क्या है, यहां का पंथ निरपेक्षता क्या धर्म निरपेक्षता? बिल्कुल नहीं, धर्म सब जैसे आएगा बिल्कुल, यहां यहां तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। दुनिया में पंथ है, भारत में धर्म, उसका समानार्थी नहीं है। भारत का धर्म दुनिया के धर्म के समान नहीं है। जहां भारतीय धर्म मानव कल्याण, मानव सेवा, मानव आदर्श को प्रमुख मानता है, वहां भारत का धर्म, वहां विश्व का धर्म में ईश्वर का होना प्रमुख माना गया, अनिवार्य माना गया। इस बात को आपको पूर्ण रूप से समझना पड़ेगा। तो जब इन चीजों को कंपेरेटिव एग्जाम, तभी तो एग्जामिनर जान पाएगा कि आपके पास गहन ज्ञान है, क्या आपके पास इंटेंसिव नॉलेज है, नहीं तो एग्जामिनर तो समझ नहीं पाएगा कि इंटेंसिव नॉलेज है। बस समझेगा जैसे हर लोग दोहराव कर रहे हैं, भाई हजारों लड़के एग्जाम में लिखने वाले हैं, अगर आपकी स्टडी अलग नहीं होगी, आपका लेखन अलग नहीं होगा, तो अंतर कैसे पैदा होगा? खासकर हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए तो यह समस्या बहुत बड़ी है। उनकी लड़ाई केवल अंग्रेजी मीडियम से नहीं है, लड़ाई मत कहिए, उनकी प्रतियोगिता कहिए, लड़ाई शब्द तो कोई युद्ध थोड़ा होने जा रहा है, उनकी प्रतियोगिता केवल अंग्रेजी मीडियम के लेखन से नहीं है, अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाली रिप्रेजेंटेशन से भी है। आपको उनसे बढ़िया रिप्रेजेंट करना है,
केवल मीडियम की लड़ाई मत माने, सॉरी मीडियम की प्रतियोगिता मत माने, आपका रिप्रेजेंटेशन भी उनसे बेस्ट होना। खासकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यह बात अनिवार्य है। वैसे हम हमारे लिए तो बराबर सभी हैं, हम सभी को लेके चलना है, हमको ऐसा नहीं है, हमारे लिए हर कोई प्रतियोगी छात्र है, न कि कोई हमारा प्रतिस्पर्धी है या प्रतिद्वंदी है, प्रतिद्वंदिता का सवाल ही नहीं उठता। आपको अपना प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानना, आपको अपना प्रतियोगी मानना है। प्रतियोगिता निश्चय ही आवश्यक है, क्योंकि इससे व्यक्ति को अपने अंदर सुधार की भावना भी पैदा होती है। आइए प्रेस उद्योगिका के अध्ययन के तहत हम विभिन्न टर्मिनोलॉजी को जानें, इनका अर्थ क्या कहना चाह रहे थे संविधान निर्माता, और आपको दिखेगा कि ये गागर में सागर है। गागर में सागर के रूप में आपको ये शब्द दिखेंगे, इनके अर्थों को आप एक एक करके समझते चलिए, और वास्तव में अगर आप इन अर्थों को समझ जाए, इसका मतलब आप उद्देशिका के लक्षण, विशेषता, ध्येय, आदर्श सबको आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके हम इन शब्दों का शब्दार्थ और नियतार्थ समझते चले। इसमें सबसे पहला शब्द होगा हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। अब हम भारत के लोग शब्द क्या बताना चाह रहे थे हमारे संविधान निर्माता? अगर हमारे संविधान निर्माता यह बताना चाह रहे थे कि उद्देशिका में अगर वो हम भारत के लोग शब्द को शामिल कर रहे थे, तो इसका क्या अर्थ था? देखिए, इसके कई कई इसके कई सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं। इसके तीन अर्थ निकल सकते हैं कि हम भारत के लोग, यानी कि अंतिम प्रभुसत्ता जनता के पास है, अंतिम संविधान के अंतिम स्रोत जनता है, या हम जो संविधान बना रहे हैं ये वास्तव में हम नहीं बना रहे हैं, बल्कि अंतिम शक्ति जनता के पास है, और वास्तव में हम जनता के प्रतिनिधि हैं। हम भारत के लोग क्या मतलब, क्या बता रहे हैं वो? यह भी बता रहे हैं कि हम जनता के वास्तविक प्रतिनिधि हैं, लेकिन असल में तो आप जान ही रहे कि संविधान सभा जो भारत के संविधान का निर्माण कर रही थी, ये तो कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित बना हुआ संविधान सभा था, जिसको प्रांतीय विधायिकाओं ने निर्मित किया था। प्रांतीय विधायिकाएं कोई जन संस्थाएं तो थी नहीं, क्योंकि इस समय वोटिंग करने का अधिकार गिने चुने लोगों को मिला है, जो भारत जो सरकार को ब्रिटिश सरकार को निश्चित आय या स्रोत देते थे या धन देते थे, तो उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हम कैसे हो गए? उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भारत के वास्तविक प्रतिनिधि जनता के कैसे हो गए? संविधान निर्माताओं की यह महानता थी कि इसके बाद वो लिख रहे हैं हम संविधान सभा के लोग नहीं लिख रहे हैं, हम भारत के लोग लिख रहे हैं। बताने का प्रयत्न कर रहे हैं हम माने भारतीय जनता है, हम संविधान नहीं बना रहे हैं, ये भारत के जनता की इच्छा से संविधान बन रहा है। दुनिया में संविधान निर्माता अपने आप को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मानते थे, भारत के संविधान निर्माता अपने आप को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं मान रहे थे, जनता को प्रभुत्व संपन्न मान रहे, तभी तो कह रहे हैं हम भारत के लोग। वो इस संविधान की अंतिम शक्ति जनता को मान रहे थे, वो इस संविधान का अंतिम स्रोत जनता को मान रहे थे, और ये दिखाने का प्रयत्न कर रहे थे हम भारत के लोग, यानी हम जनता के क्या है, वास्तविक प्रतिनिधि हैं। अंतिम प्रभुसत्ता जनता के पास है, जनता संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, हम भारत के लोग शब्द ही बता रहा है कि संविधान का अंतिम स्रोत जनता है, अंतिम प्रभुसत्ता किसके पास है, जनता के पास है, और हम जनता के क्या है, वास्तविक प्रतिनिधि। यह है भारतीय संविधान की गरिमा, यह है भारतीय संविधान का गौरव। संविधान निर्माता अपने आप को तानाशाह नहीं बना रहे थे, संविधान निर्माता अपने आप को सर्वशक्तिमान नहीं बता रहे थे, संविधान निर्माता अपने आप को
जनता का प्रतिनिधि बना दिए, उनके हितों का प्रतिनिधि बता रहे थे, उनके समस्याओं को समाप्त करने वाले कल्याणकारी भाव का प्रतिनिधि बता रहे थे। यह है भारत के संविधान की महिमा और गरिमा। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगला शब्द क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। एक एक शब्द को आप समझते चलें और आप देखें कि यह क्या है। सोवरेंटी, यानी भारतीय संविधान निर्माता भारत के संविधान को सोवरेन बना रहे थे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना रहे थे। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का मतलब क्या है? देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मूल मतलब केवल यही नहीं होता है कि हम स्वतंत्र हैं। संपूर्ण प्रभुत्व का संपन्न का मतलब यह भी नहीं कि हमारी सरकार है, यह भी नहीं कि हमारी सरकार है। बहुत से दुनिया में ऐसे देश हैं जिनकी सरकारें चल रही हैं लेकिन उनकी नीतियां बाहर से निर्धारित हो रही हैं। यह भी तो हमें जानना पड़ेगा ना कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हुआ। यह हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या यही है जो हम समझ रहे हैं, वही है क्या? हमारा सरकार है, हमारी चुनी हुई सत्ता है, हमारे चुने हुए मंत्री प्रधानमंत्री सरकार है, हमारी अपनी शासन व्यवस्था है, हमारा देश स्वतंत्र है, यही है क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न? नहीं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो पाकिस्तान भी है, लेकिन कुछ चीन उसके अंदर अपना पूरा कानून चला रहा है, कुछ दिन पहले अमेरिका पूरा कानून चला रहा था, स्वतंत्र देश तो क्या कहते हैं अफगानिस्तान भी था, लेकिन देखिए वहां क्या हाल है, उनकी यूरोप का मैदान बन खेल का मैदान बन के रह गया, जो चाह रहा वही कब्जा कर रहा है। अभी तालिबान ने कब्जा किया, वो कह रहा हम अफगानियों के हम वास्तविक प्रतिनिधि हैं। तो क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न केवल अंग्रेजों द्वारा मिला गया स्वतंत्रता संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है? ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आप देखिए दुनिया में सारे देश तो स्वतंत्र दिख रहे हैं लेकिन क्या वास्तव में वो स्वतंत्र है? तब क्या परिभाषा होगी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की परिभाषा क्या होगी? सोवरेनिटी का मतलब क्या हुआ? अगर एग्जाम में आ जाए किसी देश को राज्य होने के लिए, स्टेट होने के लिए सबसे प्रमुख अनिवार्य तत्व क्या है? स्वतंत्रता, अपनी चुनी हुई सरकार, प्रभुता, संप्रभुता या मौलिक अधिकार? तो लड़के तो लगा देंगे स्वतंत्रता, बहुत सारे लड़के लगा देंगे चुनी हुई सरकार, लेकिन सबसे अनिवार्य तत्व है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेनिटी। आजादी के पहले भी भारत था, अंग्रेज कहते थे वहां सरकार चल रही है, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सरकार बना लिया। 1915 अगस्त 1947 को हम तो आजाद हो गए, हमारी सरकार भी थी लेकिन हमारा संविधान नहीं था। सात समंदर पार बैठा ब्रिटिश सम्राट अभी भी भारत को संचालित कर रहा था। 1935 के अधिनियम से सरकार चल रही थी, कैसे स्वतंत्र हैं हम? क्या 1935 का अधिनियम भारत के द्वारा बनाया गया था? सात समंदर पार बैठा ब्रिटिश संसद बना रहा था भारत का संविधान, कैसे हम संपूर्ण प्रभुत्व 1947 में थे? ब्रिटिश राजकुल के एक सदस्य थे, ब्रिटिश राजकुल के अधिराज थे अभी भी हम 15 अगस्त 1947 के बाद। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब हम पूर्ण स्वतंत्र, तब हम यह भी कह लें कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हुए। एक ऐसा देश जिसकी आंतरिक और बाह्य नीतियों में वह स्वतंत्र हो, आंतरिक और बाह्य नीतियों का वह स्वयं निर्माण करता हो, वह देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाता है। केवल स्वतंत्र होना, केवल सरकार हो जाना, पाकिस्तान में भी सब स्वतंत्र तो है, अपनी चुनी हुई सरकार है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान बाह्य नीतियों से, बाह्य प्रभाव से मुक्त है क्या? क्या क्या पाकिस्तान की नीतियां आंतरिक या बाह्य नीतियां दोनों क्या किसी वाह देश के प्रभाव से मुक्त है? पहले यही सोच लीजिए, आपको खुद ही पता जाएगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है। आप आराम से अंदाजा लगा लेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि वह देश जो अपने आंतरिक या वाह नीतियों को बनाने में वाह प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो,
अब आप देख लीजिए, किसी देश को राज पूर्ण रूप से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने के लिए केवल चुनी हुई स्वतंत्र सरकार की आवश्यकता नहीं होती है, उसको अपने आंतरिक और बाह्य नीतियों में के निर्माण में पूर्ण रूप से बाह्य हस्तक्षेप मुक्त होना चाहिए। इससे आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखिए ट्रिब्यूनलाइज को समझना बड़ी बात है, सिविल सेवा की तैयारी में आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको तथ्यों का पुलिंदा एकत्र करने की जरूरत नहीं है, जरूरत इस बात का है कि आपके अंदर कितना समझ है, आप किसी चीज को कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं, उन टर्मिनोलॉजीज का, उन शब्दों का आप कितने अच्छे से व्याख्या कर पा रहे हैं। सिविल सेवा की तैयारी में सबसे बड़ी बात, जो सबसे प्रमुख तत्व है, वो है समझ को विकसित करना। प्रत्येक शब्द को आप कितने बढ़िया से समझ पा रहे हैं, कितने बढ़िया से उसका विश्लेषण कर पा रहे हैं, यही सिविल सेवा की तैयारी का सबसे प्राथमिक शर्त है। होता क्या है, बच्चे तथ्यों का पुलिंदा जुटा लेते हैं, होता क्या है बच्चे जो समझ नहीं पाते रट लेते हैं, और जो रटेगा उसका एग्जाम में भूलना 100% है। मैंने बहुत सारे टापरों का इंटरव्यू भी पढ़ा है, बहुत सारे टापरों का इंटरव्यू पढ़ा है, बहुत से मिला भी हूं, ऐसा नहीं है, मिला भी हूं। कुछ टापरों ने यहां तक कर दिया कि टापर का मतलब क्या है, 5 क्वेश्चन से पढ़ के जाइए, 5ों क्वेश्चन आ गया, अच्छे से लिख दीजिए, जो आपने पढ़ा वही आ गया, लिख दीजिए, टापर बन गए। मैं टापरों के इंटरव्यू ये दिखा सकता हूं, ये उनकी सफलता दुर्घटनावश थी, एक्सीडेंटल टापर थे वो। आप ऐसे एक्सीडेंटल टापर्स की तुलना अपने आप से मत करिए, सपोज करिए अगर नहीं आता तो क्या वो टापर बन पाते, वो अपने आप को टाप करने की जो महत्ता है उसको कम करके आंक रहे हैं। ऐसे एक्सीडेंटल टापर, ऐसे एक्सीडेंटल स्टूडेंट सफल स्टूडेंट बनने की आवश्यकता आपको नहीं है, ऐसे तुक्के तो कभी कभार काम आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये तुक्के आपको एग्जाम में धोखा ही देते हैं। अगर आपका समझ विकसित हुआ, हर शब्द को आप पूर्ण रूप से समझ रहे हैं, तो कठिन से कठिन प्रश्न भी एग्जाम में हल हो जाएंगे और सफलता का स्वाद आप जरूर चख लेंगे। देखिए नसीब की तुलना भाग्य की तुलना नहीं करेंगे, वो हमारे हाथ में नहीं, उसका हम पकड़ भी नहीं सकते कि वो हमारे चीज में, वो चीज हमारे नसीब में है कि नहीं, इसका हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में ही नहीं। कर्म के स्तर पर हमारे पास कोई चूक नहीं होनी चाहिए, कोई भूल नहीं होनी चाहिए। तो कर्म के स्तर पर मैं जो डिस्कशन कर रहा हूं वो केवल कर्म के स्तर पर, भाग्य स्तर पर नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि नियति किसी ने किसी का नहीं देखा, और नियति में क्या होगा क्या लिखा ये हम जान भी नहीं पा रहे हैं, तो फिर हम डिस्कशन उसकी क्यों करें भाई। हमारे हाथ में कर्म है, कर्म में हम तुक्का क्यों लगाए, कर्म में हम नियमितता लगाए, कर्म में हम समझ को शामिल करें, कर्म में हम परिश्रम को शामिल करें, हमारे हाथ में वो सब है, सतत प्रयास को शामिल करें, लगन परिश्रम कठोर धैर्य इन चीजों को शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम तुक्का को शामिल नहीं कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है डिस्कशन इसका भी होता है, क्या पढ़े से ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़े, आयोग ने क्या ऐसा कोई डिस्कशन करके दे रखा है क्या नहीं पढ़े, हम तो नहीं समझ पाते हैं कि आयोग ने क्या कुछ ऐसा लिख के दिया है कि क्या पढ़ने से ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़े। भाई आयोग का जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें कैसे कोई अनुमान लगा सकता है क्या नहीं पढ़े, तो आप तो अनुमान ऐसे लगाए कि जहां से प्रश्न ज्यादा आ रहा वही पढ़ना है, यानी आयोग ने आपको कॉपीराइट लिख के दे दिया है कि जहां से मैं प्रश्न दे रहा हूं वहीं से बार बार दूंगा और 1000 बार दूंगा और अनंत बार दूंगा। अगर ये आयोग लिख के दे तो मैं बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं इंपॉर्टेंट। आप पढ़ के जा रहे हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका के आदर्श, एग्जाम में पूछ दिया भारतीय संविधान के उद्देशिका की विशेषताएं बताइए। पढ़ के गए आप
भारतीय संविधान के उद्देशिका के उद्देश्य या लक्ष्य पढ़ के गए, वहां पूछ रहा भारतीय संविधान की उद्देशिका की विशेषताएं बता दिए। आप पता चल गया, आप विशेषताएं पढ़ के जाए दे दिया एग्जाम में, सिद्ध कीजिए कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। अब बताइए, चलिए तय करिए। अब आप क्या करेंगे, सीधे सारे लक्ष्य लिख देंगे, कहेंगे यही कुंजी? ऐसा तो नहीं है भाई, कुंजी तो वो होता है जो हर ताले को खोल दे। कुंजी तो उसको कहते हैं जो संविधान के समस्याओं, संविधान को लागू करने की जो समस्याएं थी, यानी समस्याएं रूपी जो ताले थे उनको खोलने की कुंजी है। तब ना कुंजी तो वहां को सिद्ध करना पड़ेगा ना भाई, कैसे सिद्ध करेंगे? सिद्ध कीजिए प्रस्तावना, भारतीय संविधान की अट्टालिका की आधारशिला है। अब चलिए बताइए, व्याख्या करिए, रटने वाले तो चले गए। भारतीय संविधान की जो अट्टालिका है उसकी आधारशिला सिद्ध करिए ना भाई, अब तो गए सब लोग। देखिए यही समझ विकसित करना है, शब्दों के संजाल को, शब्दों, अब ये देखिए ये सब ऐसे नहीं है। अब क्या होगा, सबका उत्तर ज्यादातर आप लोग को बताए क्या बताना है, सब तो एक का उत्तर है? नहीं भाई, सब एक उत्तर कैसे हो सकता है? ठीक है जितने शब्द हो उतने शब्द, लेकिन उन शब्दों का चयन कहां कहां करना है, किस स्थान पे लिखना है। जो दसवां शब्द उठा के उसको आप पहला कर दीजिए, जो पचासवां शब्द है उसको उठा के आप दसवां कर दीजिए, तो क्या एग्जाम ना समझ पाएगा इस बात को? वो तो समझेगा इसको नहीं यार, पूछा कहां से था, लिख क्या रहा है, पूछ रहा हूं भारतीय संविधान का आधारशिला सिद्ध करना है, ये भारतीय संविधान के विचारों की कुंजी सिद्ध कर रहा है। ये छोटे छोटे शब्द आपके सफलता को तय कर देते एग्जाम में, ये छोटे छोटे जो शब्द हैं आपके सफलता को तय कर देते एग्जाम में। और हो क्या रहा, यही तो हो रहा है कि गरीब से गरीब बच्चा भी टॉप कर रहा है, गरीब से गरीब बच्चा टॉप कर रहा है। कैसे टॉप कर ले रहा भाई? आप देख रहे होंगे कि अगर क्यों, उसके पास इतनी संसाधन भी नहीं, किताब भी नहीं है, और जिसके पास ज्यादा किताब वो टॉप भी नहीं कर पा रहा है। क्यों ऐसा? फिर गरीब बच्चा अपने समझ को बहुत आगे कर लिया, बहुत विकसित कर लिया, ठीक है ना? तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखें। संपूर्ण हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी शब्द देख लीजिए, 42वें संविधान संशोधन के तहत जब सोशलिज्म शब्द समाजवादी शब्द को शामिल किया गया 1976 में, भारत के लोग डर गए। पूंजीपति सबसे पहले समझे, डरे, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि 1917 वाला रूस की क्रांति वाला समाजवाद है कि 1949 वाला चाइना के कम्युनिस्ट क्रांति का समाजवाद है, जिसमें पूंजीपतियों को का इतना नरसंहार किया गया कि उनकी संख्या लाखों करोड़ों में हो गई। स्टालिन ने तो अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए एक सेना ही एकत्र कर रखी थी। बाद में इंदिरा गांधी ने समाजवाद की व्याख्या की, हमारा समाजवाद संपस्त पूंजी का राष्ट्रीयकरण नहीं है, समस्त संपत्ति का राष्ट्रीयकरण नहीं है, पूंजीवाद का समापन नहीं है, हमारा समाजवाद है आय की असमानता को कम से कम करना है, गरीब और अमीर के बीच जो खाई है उसको कम से कम करना है, और सबकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करना है, ये हमारा समाजवाद। हमारा समाजवाद कम्युनिस्ट समाजवाद नहीं है, हमारा समाजवाद मार्क्सवादी समाजवाद नहीं है, हमारा समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। समाजवाद के लक्ष्यों को तो हम प्राप्त करेंगे, समाजवाद के आदर्श को तो हम प्राप्त करेंगे, लेकिन जो साधन होंगे वो लोकतांत्रिक होंगे। लोकतंत्र के सवारी पर सवार होकर सत्य, अहिंसा, आदर्श, चुनाव, प्रतिनिधित्व के आधार पर हम इस आदर्श को प्राप्त करेंगे। इसके बाद है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द दुनिया में व्याख्या ही अलग किया गया है। दुनिया में धर्म शब्द के आधार पर धर्म निरपेक्ष, दुनिया में धर्म का मतलब सेकुलरिज्म धर्म निरपेक्ष शब्द है। भारत में अगर सेकुलरिज्म का धर्म निरपेक्ष शब्द का दिया जाए तो पूरा भारतीय विशेषता ही उलट कर रख जाएगा,
क्योंकि भारतीय संस्कृति में धर्म का, दुनिया में धर्म का मतलब होता है एक अति प्राकृतिक सत्ता यानी ईश्वर अल्लाह गॉड में विश्वास। भारत में धर्म का मतलब है अपने कर्तव्यों का पालन और मानव सेवा। दुनिया में धर्म की परिभाषा भारतीय धर्म के परिभाषा से टोटल अलग है और विरोधाभासी भी है। भारतीय सनातन धर्म में कर्तव्य पालन और मानव सेवा को धर्म माना गया है, और अगर हम दुनिया के सेक्युलरिज्म को, धर्म निरपेक्ष को अपने इसमें शामिल करें तो इसका मतलब हम कर्तव्य विहीन हो गए, कर्तव्य से विमुख हो गए, कर्तव्य से तटस्थ हो गए, कर्तव्य से उदासीन हो गए। क्या हम भारतीय इस बात को मान सकते हैं हम कर्तव्यहीन हैं? क्योंकि हमारे वहां धर्म का मतलब तो कर्तव्य हुआ, हमारे वहां धर्म का मतलब मानव सेवा हुआ। नहीं, यही कारण है कि धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं शामिल किया गया। सेकुलरिज्म का शाब्दिक उच्चारण हमारे वहां धर्म निरपेक्ष नहीं रखा गया, हमारे वहां क्या रखा, पंथ निरपेक्ष रखा। पंथ माने संप्रदाय, विशेष ईश्वर अल्लाह गॉड को मानने वाला समूह संप्रदाय कहलाया, और हम उससे निरपेक्ष। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ना यहां का धर्म राज्य का, जैसे पाकिस्तान में राज्य का धर्म इस्लाम है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य धर्म से तटस्थ नहीं है, राज्य धर्म से उदासीन नहीं है, राज्य धर्म का विरोधी नहीं है। यहां धर्म निरपेक्ष तो लोग ही मान लेंगे कि राज्य धर्म का विरोधी है, राज्य धर्म से तटस्थ है। यहां के लोग ये भी मान लेंगे कि राज्य धर्म से उदासीन है, दुनिया में यही है। लेकिन भारत में ना ही राज्य धर्म से उदासीन है, ना ही राज्य धर्म से तटस्थ है, ना ही राज्य धर्म से विमुक्त है, बल्कि भारतीय राज्य धर्म से तटस्थ है, निष्पक्ष है। हम किसी भी धर्म का पक्षपात नहीं करेंगे, हम सर्वधर्म संभाव की भावना रखेंगे, और यही भारत का पंथ निरपेक्षता है। इसके बाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब क्या हुआ कि भारत जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन होगा, टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। अंतिम प्रभुसत्ता जनता के हाथ में होगी, और भारत का जो सर्वोच्च अध्यक्ष होगा वो चुनाव के माध्यम से आएगा, यानी भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। इसीलिए भारत एक गणराज्य है, गणतंत्र है, रिपब्लिक है। इसके बाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय शब्द बहुत बड़ा हो गया। न्याय शब्द ही, मैंने अभी बताया कि न्याय शब्द इतना विश्लेषित, इतना विवादित है। अब एक व्यक्ति 10 दिन से भूखा है, ठीक है, और आप उसको इंडियन पैनल कोड सिखाएंगे कि इंडियन पैनल कोड की तरह है, समय के तहत अगर आप एक रोटी की भी चोरी कर लेते हैं तो आप चोर कहलाएंगे। अब बताइए, न्याय का सिद्धांत तो ये कहता है कि दुनिया तभी खाना खाए जब वो 10 दिन का भूखा व्यक्ति भोजन पा जाए। एक सभ्य समाज की गरिमा इसी बात में है कि केवल अपना पेट ना भरे, जो 10 दिन से भूखा उसका पेट भरे। न्याय का सिद्धांत तो यही कह रहा है, और आप कानून सिखा रहे कि एक रोटी चोरी करके तुम भाग गए हो होटल से तो तुम चोर हो गए। अब बताइए, न्याय परिभाषित हो पाएगा? न्याय वहां, आर्थिक न्याय वहां परिभाषित होगा? बताइए, कार्ल मार्क्स तो यही कह रहा था कि एक आदमी को आपने एक वोट का अधिकार दे दिया तो आप सोच रहे हैं कि दुनिया में न्याय आ गया। अरे जब तक आर्थिक न्याय ना हो, सामाजिक न्याय ना हो, तब तक राजनीतिक न्याय का कोई मतलब ही नहीं। ये कार्ल मार्क्स यही कह रहा था, ये तो कार्ल मार्क्स बताना चाह रहा था कि दुनिया के देश क्या कर रहे हैं, राजनीतिक न्याय दे दिए, एक आदमी एक वोट, गरीबों को इसी झूठे मत में झूठ बहका रहे हैं। अरे यार, मुकेश अंबानी भी एक वोट देंगे और एक रिक्शा चालक भी, वो तो बराबर हो गया, लेकिन दोनों के सामाजिक आर्थिक स्तर के बीच में जो खाई है यह बताने का प्रयत्न कोई नहीं करेगा। यही बात कार्ल मार्क्स समझा रहा था कि बिना सामाजिक और आर्थिक न्याय के राजनीतिक न्याय भुलावा है, यह पूंजीपतियों का सर्वहारा वर्ग को भुलावे में रखने का एकमात्र साधन है।
और यही हमारे संविधान में शामिल किया गया, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, यह उद्देश्य काम है। अब इसकी परिभाषा अगर हम दें तो कई बहुत सारे घंटे तो लग जाएंगे खाली ये परिभाषित करने में। हमको सामाजिक न्याय बताएगा जो सामाजिक भेदभाव है नहीं होना चाहिए, सामाजिक भेदभाव तो बहुत स्तर पे है, व्याख्या किया जाए बहुत लंबा हो जाएगा। आर्थिक न्याय का मतलब क्या हुआ, क्या हम मुकेश अंबानी के बराबर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। दुनिया का कोई भी आर्थिक समानता का सिद्धांत यह नहीं कहता है कि दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपति का आप बराबर हो जाएं, ऐसा तो कोई न्याय नहीं होगा। हाँ यह कह सकता है न्याय, यह कह सकता है आर्थिक न्याय कि हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। यह थोड़ा कहता कि सबको एयर कंडीशन मिल जाए, आर्थिक न्याय यह नहीं कहता है। राजनीतिक न्याय यह कह सकता है कि कोई भी व्यक्ति राजनीति की निश्चित प्रक्रियाओं को तय करके राजनीति के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। हां यह है राजनीतिक न्याय, ये तो भारत में है ही। लेकिन बिना सामाजिक और आर्थिक न्याय के राजनीतिक न्याय जो है शक्तिहीन हो जाता है। चुनाव में करोड़ों खर्च एक व्यक्ति करता है, आप तो बता रहे हैं कि एक रिक्शा चालक भी सांसद बन सकता है, लेकिन सांसद बनने के लिए उसके पास आज धन की आवश्यकता है, क्या वो चुनाव में कितना दिन टिक पाएगा भाई? जहां बड़े से बड़ा अधिकारी चुनाव में उठ रहा है और एक बाहुबली चुनाव जीत रहा है, वो भी भारतीय लोकतंत्र है, वहां आप रिक्शा चालक से चुनाव जीतने की कल्पना कर सकते हैं? और आप कह रहे हैं कि यहां तो राजनीतिक न्याय स्थापित है। अरे बिना पैसा के तो राजनीतिक न्याय भी स्थापित नहीं हो पा रहा, खाली एक वोट दे दिए राजनीतिक न्याय हो गया? वही तो मैं व्याख्या करना चाह रहा हूं। संविधान निर्माताओं ने कुछ अंतहीन लक्ष्यों को शामिल कर दिया है, बस हमें उसको प्राप्त करने की ओर चलना है, दौड़ना है। पाएंगे नहीं पाएंगे निश्चित नहीं, लेकिन यह उनका आदर्श था कि हमारे समक्ष उन्होंने ध्रुव तारे की तरह उस मार्गदर्शिका को रख दिया है कि जो हमें से जो हमें युग युगांतर तक दिशा निर्देशित करेगा कि भैया इधर आपको चलना है। ध्रुव तारे की तरह सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हमें बार बार मार्गदर्शित करेगा। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सबकी गरिमा बराबर है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और अवसर भी सबके समान होंगे। बताइए कितने लोग अपने जरूरतों की वजह से, अपने गरीबी की वजह से, अपने बराबरी की वजह से सब अवसर पा जाते हैं क्या? यह भी शब्द देख लीजिए कितना, मतलब कितना मैं ये नहीं कहूंगा संविधान निर्माता के बाद नहीं करो अर्थहीन है, लेकिन यह शब्द कितना बड़ा है कि प्रतिष्ठा की समता भी होनी चाहिए और अवसर की भी समता होनी चाहिए। सामाजिक नियम, सामाजिक कथाएं इस बात का गवाह हैं कि लोगों की परिस्थितियों ने उनको बड़े से बड़े अवसरों से महरूम किया है, बड़े से बड़े अवसरों से विरक्त किया है। लेकिन है हमारे संविधान की उद्देश्य काम प्रतिष्ठा और व्यक्ति की गरिमा। हाँ ये एक शब्द है कि भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा डिग्निटी ऑफ ए पर्सन रखा गया है कि हर व्यक्ति की गरिमा है। यहां ये नहीं होगा कि बड़ी जाति है तो उसको कम से कम दंड मिलेगा, छोटी जाति है कम उससे ज्यादा, ऐसा नहीं है। गरिमा सबकी बराबर की गई, हमारे संविधान निर्माताओं ने इस आदर्श को हमें दे रखा है कि गरिमा सबकी बराबर है। फिर सबसे बढ़िया शब्द जो शामिल किया गया, राष्ट्र की एकता और अखंडता, कि हर व्यक्ति राष्ट्र की एकता और अखंडता को, राष्ट्र है तभी तो हम हैं, हमारा अस्तित्व है राष्ट्र से, अगर राष्ट्र नहीं हो तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं। बहुत लोग ये मानते हैं कि हमारा अस्तित्व राष्ट्र का भी ना हो, ऐसे लोगों से ये जाकर पूछिए कि अफगानिस्तान राष्ट्र तो है, राष्ट्र है क्या? व्यक्ति तो है वहां, राष्ट्र ना होने की वजह से वहां के लोगों की क्या दुर्दशा हो रही है ये समझ में उनको आ जाएगा। सीरिया चले जाइए, इराक चले जाइए, लीबिया चले जाइए, जहां मानव अस्तित्व का कोई अर्थ ही नहीं, क्योंकि वहां राष्ट्र मजबूत नहीं। मनुष्य के सारे सिद्धांत उसके अस्तित्व पर निर्भर है,
सारे आदर्श उसके अस्तित्व पर निर्भर है और अस्तित्व राष्ट्र पर निर्भर है। शायद यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने अखंडता शब्द तो बाद में जोड़ा गया, लेकिन राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द इसमें उद्देशिका में शामिल हुआ है। फ्रेटरनिटी बंधुता शब्द भी शामिल किया गया। क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि फूट डालो और राज करो कि जो भावना अंग्रेजों ने भारत में चलाकर हम की भावना तोड़ दिया था, वही ब्रदरहुड की भावना यहां रखी जाए। सभी लोग हम की भावना, जो लोगों के बीच में प्रेम समाप्त हो गया, उस प्रेम को वापस लाया जाए। इन तमाम सारगर्भिक शब्दों को शामिल करके उद्देशिका भारत के संविधान के अट्टालिका बन जाती है, अट्टालिका की आधारशिला बन जाती है। ये वो नींव है जिसपे संविधान रूपी महल खड़ा है। आश्चर्य की बात है कि इस नींव को हम कितना प्राप्त कर सके, ये विश्लेषण का विषय है। और ये यक्ष प्रश्न भी है जो हमारे समक्ष, हमारे नीति नियंताओं के समक्ष हमेशा खड़ा रहेगा कि भैया आपने इसमें से कितना पाया। और यही उद्देशिका के आदर्श लक्ष्य हम भारतीयों को बार बार मार्गदर्शित कहेंगे और बार बार हमें प्रेरित भी करते रहेंगे, पथ प्रदर्शित भी करते रहेंगे कि भैया आपको इनको प्राप्त करना ही करना है। और भारत की कितने भी सरकारें आएंगी, उनको बार बार यही बताते रहेंगे कि ये आपको प्राप्त करना ही होगा। आप कितना प्राप्त करेंगे ये तो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन आपको करना ही करना। ये था उद्देशिका और मैंने इसका एक सारगर्भित व्याख्या आपके समक्ष रखा। विश्वास है कि आपको जरूर ये अच्छा लगेगा। अगर आपके समक्ष कोई और प्रश्न हो या आपको इसमें कोई कमी भी लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बता सकते हैं। ठीक है, एक नए लेक्चर के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।